जय हो छठी मैया। देखो आज फाइनली हम लोग का सेकेंड दिन है। आप लोगों को पता होगा छठ पूजा हम लोग बिहारी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। हम लोग पूरा एक साल हम लोग ना वेट करते छठ पूजा, फाइनली आज हमारा खरना पूजा होगा। जब भी गाइस देखो छठ का चार दिन होता है, जब भी है ना आपको गंगा जी में आके स्नान करना पड़ता है, और हम लोग खरना पूजा का सेलिब्रेट करेंगे। और खरना पूजा का आपको पता होगा प्रसाद इतना अच्छा बनता है ना गाइस, वो दुनिया का ना बिहार है ना बिहारी लोग ना एक साल इंतजार करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए गाइस, आज दूसरा दिन है, तो जय छठी मैया। जैसे कि आप लोग जानते हो गाइस, छठ पूजा में गांव का जो त्योहार होता है हम लोग ना धूमधाम से बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग स्पीकर भी ला दिए हैं अंकल सब, तो वही व्यवस्था हो रहा है स्पीकर लगा के गाना बजाने का, तो वही चलो स्पीकर को जोड़ेंगे, अब छठी मैया का गाना बजेगा। नहीं गांव में देखो, शहर में ऐसा कुछ नहीं होता, शहर में ना ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा शहर में ऐसा कुछ होता नहीं है। गांव में, गांव में कोई रोक टोक नहीं, जो भी गाना बजाना बजाओ, टेंशन फ्री रहो, छठी मैया का गाना बजा के भी तुम संगीत में डूब जाएंगे। जय छठी मैया। तो गाइस अब शाम हो चुकी है, अब हम लोग ना जो छठ पूजा करती है आप लोग पता होगा वो गंगा जी में आके पहले स्नान करेगी, उसके बाद ना खरना का प्रसाद बनेगा। कैसे बनता है खरना का प्रसाद आपको पता होगा, ये जो गंगा जल देख रहे हो आप लोग, ये जो अमृत पानी देख रहे हो ना, इसी से ना आप हम लोग का ना खरना प्रसाद बनता है, जो खीर बनता है, जो रोटी बनता है, ये जो गंगा जल है ना इसी से बनता है। तो हम लोग की फाइनली मम्मी जा चुकी है नाव आके, अब हम लोग भी घर के लिए जाते हैं। अब हम लोग प्रसाद का रेसिपी दिखाएंगे, मतलब रेसिपी नहीं बोल सकते, हम लोग बिहारी ना एक साल इंतजार करते हैं उस प्रसाद को खाने के लिए। तो फाइनली वो दिन आ चुका है, अब हम दिखाते खरना प्रसाद कैसे बनाया जाता है। तो जय छठी मैया, चलो। तो गाइस फाइनली हमारा खरना का प्रसाद बन रहा है। मम्मी अभी क्या बन रहा है? ऑलमोस्ट तो ये रेडी हो चुका है ना? ये रख बन रहा है। अच्छा जो प्रसाद बनता है वो गंगा जल में बनता है ना? तो गंगा जल आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे रखा हुआ है, और बड़ी मम्मी दूध निकाल दी है, और इधर हमारा प्रसाद बनने के लिए रेडी हो चुका है। जितना भी प्रसाद बनता है वो पूरा गंगा जल का रहता है। सुबह में सब पानी लेकर आए हैं। जब भी छठ पूजा का प्रसाद बनता है ना, मम्मी हमारी लोग ना गीत गाते गाते प्रसाद को बनाती है। चलिए अब थोड़ा गीत का भी आप लोग मजा लेते हैं। जैसा कि जानते हो गाइस आप लोग, जो भी ये प्रसाद बनता है ना हम लोग के लिए, ये आम का लकड़ी से बनता, और जो चूल्हा रहता है, जो गैस रहता है, उसको पूजा करके ही प्रसाद को बनाया जाता है। जय छठी मैया। तो हम लोग को ना ऐसे एक्चुअली ना यहाँ से अंदर जाना नहीं है, क्यों आपको पता होगा छठ पूजा इतना महान पर्व है, इसमें कोई भी मतलब हल्का भी गलती नहीं करना रहता है कुछ भी, इसलिए हम लोग यहीं से शूट कर रहे हैं कुछ। गाइज हमारा खीर बन चुका है, अब हमारी मम्मी लोग रोटी बना रही है, अब कुछ देरी के बाद हम लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे और छठी माई को पूजा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो गाइज, आज हमारा खरना पूजा है, सेकेंड डे। मम्मी लोग आज खरना पूजा का जो प्रसाद होता है वो खा के, और कल से उपवास होगा गाइज, और जो उपवास होता है आप लोगों को पता होगा वो 36 घंटा का होता है उपवास, ना उसमें जल पीना है ना कुछ खाना है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद सूरज अर्घ को देना है शाम वाला, उसके बाद दिन वाला सूरज अर्घ को दे के वहाँ पर उपवास को तोड़ा जाता है, इसलिए बोला जाता है छठी माई का जो छठ पूजा है महान पर्व बोला जाता है। जय छठी माई। महान तो पर्व ही है गाइस, और उसके अलावा जो साफ सुथरा का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है,
हम लोग ऐसे ही देख रहे हो बाहर में सिर्फ वीडियो सुनकर अंदर एंट्री नहीं मिल रहा हम लोग को, समझ सकते हो कितना मान पर पूरा घर सब चीज़ को धोकर छठ बनाया जाता है। गाइस फाइनली हमारा खरना का प्रसाद बन चुका है और लगभग देखो सब चीज़ हो चुकी है। हाँ उसके बाद पहले पूजा होता है, पहले अब पूजा होगा उसके बाद मम्मी लोग ग्रहण करेगी, उसके बाद हम लोग को प्रसाद मिलेगा खाने के लिए। यही प्रसाद के लिए देख रहे हो गाइस, यही प्रसाद के लिए हम लोग बिहारी ना एक साल पूरे साल इंतजार करते हैं। जय हो छठ। हम लोग का गाइस पूजा कंप्लीट हो चुका है, खरना पूजा। देखो पूजा में नॉर्मली रहता है, देखो हुमार देना रहता है, पहले आराम से हुमार दे दे, पांच बार हुमार दिया जाता है। गोर लग लो, जो भी विश मांगना है मांग लो, छठ में ऐसे ही पूरा करती है। और सबसे बड़ा बात है देखो क्या, जो भी छठ पूजा करती है उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी रहता है, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी रहता है इसमें। जी गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग का फोटो शूट हो रहा है पूरा फैमिली के साथ। यही होता है जब भी फैमिली के साथ छठ बनता है ना, तो लोग जैसे फैमिली वाले सब एक्साइटेड रहते हैं छठ के लिए, तो इसीलिए फोटो शूट भी हो रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ जब यहाँ पे पूजा हो रहा था तब पूरा जैसे है ना इधर गाँव पूरा शांति हो जाता है। तो ये पूजा कम्प्लीट हो चुका है खरना का और हम लोग यही प्रसाद को खाएंगे, और हम लोग का जो नीचे प्रसाद गया है तो चलिए हम लोग प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं बहुत। तो फाइनली गाइज हमारा सेकेंड दिन का जो खरना पूजा होता है कुछ ही देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। प्रसाद में आप लोग देख सकते हैं यही हम लोग इंतजार करते हैं पूरे एक साल के लिए, ये प्रसाद खाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं प्रसाद में यही प्रसाद के लिए हम लोग तरसते हैं एक साल के लिए। तो आज फाइनली खाएंगे और इन्जॉयमेंट करेंगे। तो गाइज अब रात के बज रहे हैं 11, अब हम लोग भी जाएंगे कुछ देर पर सोने, क्योंकि जो पूजा की है हमारी मम्मी लोग, बोला जाता है गोर हाथ दबाने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, तो आज पुण्य कमा रहे हैं, आप लोग भी कमाओ। चलो ब्लॉग को भी एंड करते हैं, तो मिलते हैं कल हम लोग, अब उसके बाद घाट जाने की तैयारी करेंगे मॉर्निंग में। और चलो जय छठी मैया, बाय।